अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान ख़ान और आप देख रहे हैं रिजवी टीवी। आपने बहुत सी लग्जरी और महंगी तरीन गाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन आज हम जिन अजीब और गरीब गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, इसे देखने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। प्लेन लिमोजिन। आपने बहुत सी अजीब और गरीब चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आपने ये गाड़ी नहीं देखी होगी। इस गाड़ी को बोइंग 727 जहाज को काटकर बनाया गया है और आप इसे सड़क पर भी चला सकते हैं। इस गाड़ी को कानूनी इजाज़त हासिल है। ये गाड़ी जहाज की पूरी बॉडी से नहीं बनाई गई, बल्कि सिर्फ आगे का हिस्सा इस्तेमाल किया गया है और इसे एक ख़ास मर्सिडीज़ बस के ऊपर नस्ब किया गया है। इस गाड़ी की लंबाई 58 फीट और वज़न 11 टन है। इसके अंदर ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसको 4,15,00,000 में सेल किया गया है। लिमोजिन टैंक। अगर आप बहुत अमीर हो और आपको जान का खतरा भी हो तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। यह आपकी हिफाजत के साथ साथ आरामदायक सफ़र भी करवाएगा। इसके अंदर फ्रिज, DVD प्लेयर्स वगैरह भी लगाया गया है, जिसकी वजह से यह आपको लग्जरी सफ़र का मज़ा देगा। इसमें हर तरफ कैमरे भी लगाए गए हैं। रोल्स रॉयस पैंथम लिमो। दुनिया की अजीब गाड़ियों की बात हो रही हो और इस गाड़ी का जिक्र ना किया जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। ये गाड़ी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है। इसकी कीमत $60 करोड़ से ज़्यादा है। ये सड़क पर चलती हुई किसी का ध्यान भी अपनी तरफ मुतवज्जा करवाने की सलाहियत रखती है और इसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ है और इसके अंदर पूरा एक लग्जरी कमरा मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर हर वो लग्जरी सिस्टम मौजूद है जो एक गाड़ी में लगाया जा सकता है। चरेसलर फाउलर। इस अजीब गाड़ी में 6 लोग बैठ सकते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही मुख्तलिफ है, जो हर किसी को अपनी जानिब मुतवज्जा कराने की सलाहियत रखता है। इस किस्म की पूरी दुनिया में एक ही गाड़ी मौजूद है। आपको यकीन नहीं आएगा कि इस गाड़ी को 1,000 लोगों ने मिलकर बनाया है। मेबेथ 62S लैंडवेल्ट। ये गाड़ी इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है, अब इसको फरोख्त नहीं किया जा रहा है। असल में ये गाड़ी एक जर्मन कंपनी ने बनाई थी और इसको इसके लिए कोई ग्राहक नहीं मिला। ये गाड़ी देखने में तो अच्छी है और इसकी पिचेस भी अच्छी है। इसमें 612 का बोर्स पावर का इंजन लगाया गया है। अगर देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदरूनी हिस्सा दूसरी गाड़ियों से अच्छा है, लेकिन इस कंपनी का किस्मत ही ख़राब थी जो ये गाड़ी फरोख्त ही नहीं हो सकी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।